दिन से। ओके, तो क्लास 10th का बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स का कॉपी चेक कर रहे हैं, तो आप लोग देखें जो स्टूडेंट है उनके लिए फायदा है कि कैसे स्टेप लिखा जाता है, कौन सा स्टेप पे नंबर करता है और कौन से स्टेप पे नंबर मिलता है, ये आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक सना कुलसुम नाम की क्लास 10th की स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स का टेस्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट हुआ है। ओके, चैप्टर वाइज टेस्ट ढिला होने जाता, तो इसमें जो है देखिए पहले लॉन्ग टाइप का आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप लॉन्ग से स्टार्ट कर सकते हो, पहले अगर सब्जेक्ट बना रहे हो तो लॉन्ग से स्टार्ट कर सकते हो, दिक्कत नहीं करते। बच्चे पहले दो नंबर का बनाते हैं तब पांच नंबर का बनाते हैं, ये बच्चे पहले पांच नंबर वाला बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर लिखना भूलना नहीं है। ठीक है, अब जो है 82 में देखिए क्वेश्चन क्या है, 82, ठीक है, 82 आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, 82 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, सिद्ध कीजिए कि इतना इतना दिया हुआ। अब इसका स्टेप देखते हैं, चलिए सबसे पहले क्या किया बच्चे, देखिए सबसे पहले ये क्या किया कि क्वेश्चन को उतारिया। ओके, आप भी उतार सकते हो, नहीं भी उतारो तो चलेगा। उसके अलावा LHS लिखिए, LHS लिख करके अब स्टेप देखते हैं इसका, sin बटा cos, इसे फार्मूला लिखोगे नंबर मिलेगा इसमें। ओके, LCM ले लिए, ये ठीक है, LCM ले लिए, LCM ले लिए, पर स्टेप किया, पर गया sin स्क्वायर का, ब्रैकेट जरूर दिया करो, मैथमेटिक्स में ब्रैकेट अच्छा रहता है, गलती नहीं होगा, इसी पर नंबर नहीं कटेगा, आप चिंता नहीं करो। ठीक है, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, वो यहाँ काट कुट ज्यादा नहीं करना है, काट कुट ज्यादा गड़बड़ किया जाता है, एग्जामिनर लेसन देगा तो नंबर आपका काट देगा। ठीक है, यहाँ ठीक है, ये परफेक्ट बनाइए बच्चे, परफेक्ट बनाइए, ए क्यू माइनस बी क्यू लगा दिया, इस पर भी नंबर मिलेगा। जब भी कोई फॉर्मूला आप इस्तेमाल करो, एक कोशिश क्या करो कि यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप लिख दिया पड़ा करके, इस पर नंबर मिलता है, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आप जरूर लिख दिया करो। ओके, तो आप एग्जामिनर देखेगा इस पर भी नंबर मिलता है। ओके, इसलिए आप लोग का ध्यान इस बात का ख्याल रखा, ठीक है, उठा कर तो पीछे करो, ठीक है, नजदीक से लोगे। उसके बाद ये ले लिया नजदीक, हाँ ओके, ये अलग कर दिया, अलग कर दिया, परफेक्ट है, यानी इसका पूरा सही है, पूरा स्टेप सही है, सारा सही है, यानी इसको पांच नंबर से मिलेगा, एक नंबर भी काटने लायक नहीं है। इसके बाद अभी इसलिए 85 है, 85 नंबर जो क्वेश्चन है देखिए आप लोग, 85 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपको हाइट एंड डिस्टेंस का, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, टावर की ऊंचाई कितनी है, बच्चे के डायग्राम बनाए किसे, ये डायग्राम परफेक्ट है। ओके, और जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का आप लोग सवाल बनाओगे उसमें मेंशन करोगे कौन केबल टावर है, कौन भवन है, तो यहाँ इसने लिखा है, देखो देखो इसने ए भी लिखा है कि टावर की ऊंचाई जो है वो डी, नाम कुछ भी दे सकते हो, डी ई है, डी टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, अब ये देखिए यहाँ टावर की ऊंचाई लिखी है, चलेगा नाम, वैसे क्वेश्चन में चर्चा किया है केबल टावर, जो क्वेश्चन में चर्चा करता है वही लिखा करो आप, जो चर्चा किया वही लिखा करो। ठीक है, तो इसने लिखा है सब कुछ सही है, सॉल्यूशन क्या है साथ मान लिया, ये सब लिखना पड़ता है, नाम नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, क्यों पता चलेगा कौन टावर है कौन भवन, एंगल लिख दिया, एंगल दिया, क्वेश्चन किया। उसके बाद ये इसने ओके 90 करेक्ट, एकदम परफेक्ट है इसका, एकदम परफेक्ट है, बस इक्वल का आंसर छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसका परफेक्ट है, इसमें पांच नंबर पड़ा मिलेगा इसको। डायग्राम का इसमें दो नंबर मिलता है, डायग्राम परफेक्ट, दो नंबर डायग्राम के मिलता है। ओके, लास्ट में जब भी इस तरह का सवाल बना होता है हेंस लिख करके आता आता टावर की ऊंचाई, इस बच्चे ने पूरा लिखा आता या हेंस द हाइट ऑफ द टावर, इसे इसका एक नंबर मिलता है, दो नंबर, तीन नंबर हो गया, और दो नंबर आपका बीच में कैलकुलेशन के लिए, सब कैलकुलेशन जो किया, ओके जो कैलकुलेशन किया उसके लिए पांच नंबर मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनाइए, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, 86। मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु मीनार के शिखर का अनुपात पूरा कोण है, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लॉन्ग सीधे सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है लॉन्ग टर्म में। ओके, इसने क्या किया है, लिखा मीनार ए सी मीनार की ऊंचाई ए सी है, बी सी 9 मीटर है, 4 मीटर, सब कुछ लिखा हुआ है, एकदम सेम परफेक्ट है, एकदम बिल्कुल सही है, अतः अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, इस पे एक नंबर आपका बच्चे का मिलेगा। बच्चे लोग क्या करते हैं लास्ट तक यहाँ लाकर छोड़ देते हैं और ये नहीं लिखते, ये नहीं लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने ए सी तो माना हुआ है ना, इसलिए मीनार की ऊंचाई अतः लिख करके आप लिखा करेगा मत, इसलिए इसको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, परफेक्ट है इसका, इसको तीनों सही है। अब चलिए कुछ अब शॉर्ट टाइम में देखते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम 6 था तो 3 ही बनाना था, अब जो है शॉर्ट टाइम में देखिए, शॉर्ट टाइम में इसने क्या किया, एक्सर बनाया, शॉर्ट टाइम एक्सर में क्या था, ये एक्सर ये ठीक है, लेकिन आप जानते हो 45 का वन होता है तो 45 डिग्री लेकर बना सकते हो, इस बच्चे ने वही किया है, कोई भी एक्सरसाइज को बना सकते हो किसी भी तरीके से, ओके बस तरीका सही होना चाहिए आपका, तो ए का वैल्यू 45 डिग्री रख दिया, साइन 45 हो गया, एलएचएस लेकर चलिए और आरजेस प्रूव कर दिया, लिख दिया लास्ट में, एलएचएस बराबर आरजेस, एकदम परफेक्ट है, इसका पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं करेगा इसको। ठीक है, आप लोग देखते रहो कैसे नंबर मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, तो एबीसी एक त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है, तो दिखाएंगे बीसी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू, ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे बच्चे,
तो इसका जो है साइन में प्लस सी बाय टू, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो इसने कहा कहते बच्चे तीनों का योग एक दूसरे कर दिया, एक नंबर इसमें मिलेगा उसको, बी प्लस सी इधर कर दिया, दो से डिवाइड कर दिया, क्योंकि बी प्लस सी बाय टू प्रूफ करना है। लिख लेते हैं ना प्रूफ क्वेश्चन को, यहाँ पर नोट कर लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है, आपको हेल्प होता है। क्वेश्चन लिख भी सकते हो एग्जाम में, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन सामने रख करके बनाया करो। तो साइन रख दी, साइन 91 से पॉजिटिव एकदम परफेक्ट है, दो नंबर से पॉजिटिव। अब ये क्वेश्चन नंबर है 64, 64 में क्या है, 64 नंबरिंग गलती नहीं होना चाहिए, 62 है ये, 62 नो क्वेश्चन नंबर गलती हुई है, प्लस बी इक्वल टू 92। बच्चे ने कौन क्वेश्चन बनाया, ये कौन क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन नंबर सही नहीं लिखा है, कौन क्वेश्चन नंबर, देखो ये 68 है, देखिए नंबर सही से नहीं लिखा है, ये 68 है, नंबर सही से लिखो तो एग्जामिनर समझ में आएगा क्वेश्चन क्या करना है। प्रूफ प्रूफ करना है प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू 10 इक्वल टू कॉट बी, तो प्रूफ करना है कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। गुड, उसके बाद क्या है, 10 बराबर कॉट बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10 बराबर कॉट बी दिया हुआ है, प्रूफ करना है वो 10 बराबर कॉट बी दिया हुआ है। तो यहाँ टेन कॉट 90 डिग्री दिखाया करो, डिग्री सब जरूरी है, 10 कॉट भी दिखाना है, नंबर कट जाएगा, परफेक्ट है, परफेक्ट एकदम सही। साइन 3 इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 69 है, नंबर लिख लीजिए, साइन 3 इक्वल टू कॉस माइनस 36, परफेक्ट है, एकदम सही है, हैंस करके भी लिख देती है, इसलिए करें देयरफॉर का साइन, परफेक्ट है, एलएचएस लिया और उसके यहाँ पर देखते हैं, परफेक्ट, ये ए माइनस बी करें, इसको ए प्लस बी डी माइनस बी, परफेक्ट है, एकदम सही। ओके, जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो एक काम क्या करो तुम लोग, कि जो बच्चे आंसर लिखते हैं उस जिस साइंस कटिटा का फॉर्मूला 1 cos कटिटा लिखे ना यहाँ पे, ओके, तो डब्बा में यहाँ पर लिख दिया करो, सिंस साइंस कटिटा इक्वल टू, ये कोशिश करो, नहीं लिखो तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको कॉपी चेक करने वाले को सहूलत होगा ये। फिर यहाँ पर जैसे cos थीटा फॉर्मूला लिखा है, उन्होंने sin थीटा कटिटा का cos sin थीटा इधर दिख रहा है, बट यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते, इसको भी डब्बा में लिख सकते, दिक्कत नहीं, नंबर मिल, परफेक्ट है इसका। उसके बाद देखते हैं 72 क्वेश्चन एक बनाइए लड़के, रूट अंडर 1 cos है, 1 cos है, ठीक है, करेक्ट है, क्वेश्चन भी मिलाना होता है, हम लोग बहुत बारीक से चेक करते हैं, रेसलाइज किया तो रूट हटा दिया, यहाँ से स्क्वायर 1 cos हो गया, करेक्ट है, रूट हट गया, साइन परफेक्ट है, एचएस लिख दिया, एचएस लेकर चलिए, आरएचएस लाइए, दोनों बड़े सब परफेक्ट है। उसके बाद 73 है, जो डिटो सेम क्वेश्चन है, 73, ओके, डिटो सेम क्वेश्चन है, बस साइन में है, इसको रेसलाइज किया, यहाँ तक तो सही है इसका। उसके बाद ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, बस गुड। उसके बाद 74 है, 74 देखिए, 74 में भी बस कल इसी का उल्टा कर दिया, वही सेम ही क्वेश्चन है, पूरा स्टेप क्यों है लड़के। 78 क्वेश्चन देखिए, 78 में है 2 sin θ - 2 sin 3θ - 2 cos 3θ - cos 10θ, पहले ये क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, सीधे ऐसे लेकर चलो। इसने क्या किया है, 2 sin θ - cos θ कॉमन ले लिया है, 1 को लिखा sin θ - cos θ - 1, और यहाँ ब्रेकेट का इस्तेमाल किया, यहाँ देखिए एकदम अच्छा से ब्रेकेट का इस्तेमाल किया, ब्रेकेट का इस्तेमाल नहीं गलती हो जाता है, sin θ + cos θ 1 होता है, सही है, और यहाँ माइनस 2 sin θ - 1 sin θ, यहाँ भी घटा दिया, परफेक्ट काट दिया, आंसर प्रूफ, परफेक्ट है, तो नंबर सब मिलेगा, परफेक्ट। आज सर 76 क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन में है, sec a + tan a, 1 - sin a, cos लाना, तो sec a + tan a, 1 - sin a, cos है, तो ये देखिए कब किया, sec को बनाया, cos लिख दिया, sin होता cos, परफेक्ट है, 1 + sin 1 sin कर दिया, cos कर दिया, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बनाइए, एकदम परफेक्ट है इसका। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बनाया 67, 67 में देखिए, तो 67 इधर है, एक खाते हैं आपने 67 में cos 45 sec 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, यानी ये साइन का क्वेश्चन, आंसर ये क्वेश्चन है, ये स्लाइस की है, वैल्यू से पुट की, वैल्यू पुट करने पर नंबर मिलता है, स्लाइस की है, परफेक्ट है। इसने क्या किया यहाँ पे गलती का क्या, इसने देखते हैं √2 से गुणा कर दिया, √2 6 हो गया, परफेक्ट है, √6 माइनस √18 यहाँ चार दोनों, ये देखिए 2 में 6 का तो माइनस 4 हुआ, और ये बाहर वाला 2 जो है ये छोड़ दिया, -8 होना चाहिए, -8 होना चाहिए, -1 प्लस हो जाता तो ये आंसर होता, इस पर एक नंबर से कटेगा, एक ही नंबर मिलेगा, दोनों क्वेश्चन सबको सही किया, लास्ट में गलती कर दिया कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये है, इस तरह बनाया जाता है, आप इसका नंबर काउंट करते हैं, कितना टोटल नंबर है, 5 10 15, 5 नंबर तो सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्स्ट्रा नहीं बनाना, इतना वो दोनों वाला बना लिया, बनाना 10 ही है, जितना बनाने के बोला उतना ही बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 बनाए हुए, 11 बनाए हुए, अब 12 बना दिया, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आंसर एनी 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, और इसमें 10 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, ये बच्चा बना दिया 12 क्वेश्चन, तो इसका कॉपी चेक वाला ये क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा, ये दो चेक नहीं होगा, इसका 20 है, 35 नंबर, 35 में 35 है बच्चे का, 35 में 35, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, कॉपी चेक नहीं होगा, नहीं तो एग्जाम का दिमाग खराब होगा तो नंबर काट देगा, ओके, तो इसलिए कोशिश क्या करो कि पूरा जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, और स्टेप पर ध्यान देना है, स्टेप मार्किंग होता है, इसलिए खाली फॉर्मूला भी लिख दो तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है, तो आप लोग कैसा लगा बताओ, ओके, कमेंट करके।